हेलो दोस्तों, तिरकी नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह मोटिवेशनल वीडियो उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को संभव कर दिखाया। यह कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरे तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ मांझी के गांव में लोगों की छोटी सी भी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उसकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरती है और तत्काल इलाज ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ मांझी के गाँव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज़्यादा समय लगा और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ मांझी को पूरी तरह झकझोर के रख दिया और वह सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वे अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि वह उस पहाड़ को ही काट डालेंगे जिसके रास्ते रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते हैं कि ये अपने बीवी के मौत के सदमे से पागल हो गया है जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सबके बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गई, कई मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की ना परवाह करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना देना ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गाँव सदस्य के साथ ना हो। वे लगातार मेहनत करते गए और 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा रास्ता बना डाला। दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण अन्नी से वजीरगंज की दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाकर 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी वह मात्र 3 किलोमीटर की ही रह गई। दशरथ मांझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने जालौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ मांझी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराश हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की और अंत में सफलता प्राप्त की। आप भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें, चाहे मुसीबत कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, दशरथ मांझी से जुड़ी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।